बस यहीं तक दर्शन है, अंदर नहीं जाना है। वही तो पूछ ले किसी से अंदर क्या सीन है। तो जयपुर से हम सब लोग निकले थे, 70 किलोमीटर के राउंड का हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया सिर्फ एक मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर का नाम है खाटू श्याम जी मंदिर। एक प्रॉब्लम हुई हमारे साथ यहाँ पर कि हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऑनलाइन दर्शन बुकिंग है, और ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए 4 दिन पहले ही आपको मंदिर में अपना स्लॉट है वो बुक कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मैं कुछ नहीं पता था ऑनलाइन बुकिंग के बारे में। अब 70 किलोमीटर चल के आए हैं तो ठीक है, अभी ढोक ला के निकलते हैं यहाँ से। खाटू श्याम जी टेम्पल जयपुर से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में, जयपुर सीकर डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा साइड में पड़ता है। खाटू श्याम जी से हम लोग निकले थे, फिर ढाबे पर रुके, यहाँ पे खाना खाया। खाटू श्याम जी पे हम लोग डिसअपॉइंट हुए क्योंकि इतनी दूर से हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करके आए थे पर दर्शन नहीं हो पाए हम लोगों को। तो कोई बात नहीं, लेकिन मथा टेक दिया वहाँ पर और फिर वहाँ से मन्नत मांगते हुए हम जयपुर की तरफ वापस निकल पड़े हैं। आशा करता हूँ आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। पांजन नारगढ़ की तरफ जा रहे हैं। लास्ट टाइम नारगढ़ के पास एक सनराइज पॉइंट है, उस साइड अपन गए थे। इस बार 5 जन टोटल हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी हमने नारगढ़ जाने का प्लान बनाया है। तो बस पहुंचने वाले हैं, 3-4 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से नारगढ़। तो तब तक आप बाइक राइड इंजॉय कीजिए, स्टे ट्यून्ड। लास्ट टाइम मैंने आपको यही सनराइज दिखाया था, इसके हल्का सा आगे नारगढ़ है। तो नारगढ़ पहुंच के आपको नारगढ़ फोर्ट के बारे में बताता हूँ। अरे आप गलत कभी नहीं हो सकती, हम जायजा लेते हैं पूरी। शर्मा जी आप भी गलत कभी नहीं हो सकते। हमको ये टीम बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत है ना ये टीम। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी नारगढ़ फोर्ट का जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, खुद से कर दिया है, उसमें पुराना लुक नहीं रहा जो उस टाइम का नारगढ़ फोर्ट था। चाहिए ओ ये इतना पतला है ओ भाई। नाहरगढ़ फोर्ट ओरिजिनली नेम्ड एज सुदर्शनगढ़ फोर्ट। इसमें जो नाहरगढ़ में जो नाहर का मतलब है वो है नाहर सिंह भूमिया, जिनकी स्पिरिट आज भी नाहरगढ़ फोर्ट को हॉन्ट करती है। कई बार ऐसा सुनने में आया है, मतलब एक सुनी सुनी कहानी है कि उनकी स्पिरिट ने कई बार नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको अबॉर्ट करने की कोशिश करी है। नारगढ़ फोर्ट का जो सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट मुझे दिखा वो था अंदर के कंस्ट्रक्शन को रीमेक किया है महल के अंदर, तो उससे जो ओरिजिनल राजपूताना लुक है उस महल का वो लैक कर रहा है कहीं ना कहीं।
अभी नारगढ़ फोर्ट ऊपर ऊपर का देख रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ और क्या क्या है। This medieval step well was built for collecting and conserving rain water coming through the channels laid out on the hills of Nargad. Small chambers were built into the channels at intervals to filter the water. बावड़ी है, नारगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल पहाड़ियों से निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी के एकत्रित होता है। नालियों के मध्य छोटी छोटी हौदियाँ बनी हैं जो कचरे को रोककर जल को शुद्ध करती थी। ये जो स्टेप वेल है ये नारगढ़ पानी को पानी सर्व करती थी। इस बावली में रेन वाटर से आया पानी इकट्ठा करना और उसी पानी का फिल्ट्रेशन उधर की तरफ, वो सामने मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये फिल्टर लगा रखा है। इस पानी को ऊपर से पुल अप करके फिल्टर करके पूरे नारगढ़ महल पर सर्व होता था। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको फतेहपुर सीकरी ब्लॉग में दिखाया था, वो बहुत नीचे वाली हाइट से आकर, मतलब बहुत नीचे से आकर ऊपर की हाइट तक वो खींचते थे। यहाँ पर हाइट ज्यादा नहीं तो इतना ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर 10 मीटर की हाइट पर आपको ऊपर खींचना है तो इट्स नॉट अ बिग डील और कोई ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो ये वो स्टेपवेल बावली जो नारगढ़ फोर्ट को सर्व करती थी पानी। जयपुर का व्यू मैंने आपको दिखाया हर साइड से जो नारगढ़ फोर्ट से आता है। सीरियसली बहुत ज्यादा ऑसम है यहाँ का व्यू एंड यू शुड हैव टू विजिट नारगढ़ फोर्ट।